हमारे पिताजी भी रोज मुझे बकरियां चराने भेज देते हैं, बड़े भैया को तो भेजते ही नहीं, और बकरियां अभी तक घास चर के नहीं आई, और मैं यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ। ये जंगल कितना खूबसूरत है, अब मेरी बकरियां पता नहीं कब तक आएंगी, तब तक मैं क्या करूं? मैं तो अपनी बकरियों का इंतजार करते करते थक चुका हूं, लेकिन वो घास खाकर अभी तक नहीं आई। अरे यार अब मैं क्या करूं? एक आइडिया आया, क्यों ना साथ के गांव वालों से एक मजाक करूं? मैं झूठ मूठ का चिल्लाना शुरू कर देता हूं कि शेर आ गया, और मुझे बचाने के लिए गांव वाले दौड़े दौड़े आएंगे, लेकिन जब वो यहां पहुंचेंगे तो शेर तो होगा नहीं और मुझे बहुत मजा आएगा। अरे बचाओ बचाओ, शेर आ गया, कोई बचाओ मुझे, अरे ये शेर मुझे खा जाएगा, जल्दी मुझे कोई बचाओ बचाओ। अरे बच्चे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब हम आ गए हैं। बेटा हमने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनी और हमारा गांव पास में ही है, हम अपनी तलवार और बाला लेकर दौड़े दौड़े चले आए। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हमें बताओ कहाँ है शेर, हम उसे मार देंगे। शेर? कौन सा शेर? अरे बच्चे ये क्या बात हुई, तुम अभी तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि शेर आया बचाओ, और अब तुम बोल रहे हो कि कौन सा शेर। अरे अंकल मैं अकेला यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई मजाक किया जाए। अरे मैं मजाक कर रहा था, यहाँ कोई शेर वेर नहीं आया। क्या तुम मजाक कर रहे थे? बच्चे याद रखना ये तुमने बहुत गलत किया, ऐसा मजाक और ऐसा झूठ बोलना तुम्हें जिंदगी में बहुत भारी पड़ेगा। अरे बस बस अंकल मुझे ज्यादा मशवरा मत दो, मैंने आपको जबरदस्ती थोड़ा ना बोला था आने को, आप मत आते। अरे भाई इस बच्चे ने तो झूठ बोला था और मजाक किया था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इस बच्चे की बातों में आ गए, हम अपना सारा काम छोड़कर इसकी जान बचाने आ गए, चलो वापस अपने गांव चलते हैं। आज फिर मेरी बकरियां घास चरती चरती कितनी दूर निकल गई हैं, पता नहीं कब तक वापस आएंगी। ओ मैं तो बकरी चरा रहा था, ओ मैं तो बेलपुरी खा रहा था, ओ मैं तो बकरी चरा। अरे ये आवाज कैसी, ये तो मुझे सचमुच शेर की आवाज लगती है। अरे ये तो सचमुच शेर है, शेर आ गया, शेर आ गया। ए बच्चे मैं तुम्हें खाने आया हूँ, प्लीज मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। ए बच्चे मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, आज तुम जैसे बच्चे का लजीज गोश्त खाने का मौका मिल रहा है, तो क्या ये मौका मैं छोड़ दूँ? बहुत बातें हो गई, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे मुझे कोई बचाओ, शेर आ गया, मुझे कोई बचाओ। अरे कोई बचाओ, शेर आ गया, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, शेर आ गया। अरे क्या तुमने कुछ सुना, जंगल में से आवाज आ रही है कि शेर आ गया, मुझे बचाओ। मुझे लगता है ये उसी शरारती बच्चे की आवाज है, वो फिर झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो झूठ बोलकर हमसे मजाक कर रहा है, कोई शेर नहीं आया होगा, चलो हम अपना काम करते हैं। अरे बचाओ, शेर आया है, मुझे खा जाएगा, कोई तो आकर बचाओ मुझे। अब लगता है कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी झूठ बोला था और सबके साथ झूठ मूठ का मजाक किया था, इसीलिए आज मैं अगर सच भी बोल रहा हूँ तो सबको झूठ ही लगता होगा। बच्चे क्या तुम आगे से किसी से झूठ बोलोगे? नहीं शेर जी, मैं आगे से कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलना, वरना जब तुम सच भी बोलोगे तो कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, जिंदगी में हमेशा सच बोलना, आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। शेर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आगे से जिंदगी में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही किसी का विश्वास तोड़ूंगा। ठीक है बच्चे तुमने सबक सीख लिया, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। भगवान का शुक्र है कि आज मेरी जान बच गई, लेकिन मैंने जिंदगी में एक सबक जरूर सीख लिया है, अपनी जिंदगी में कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना जो लोग हम पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास टूट जाएगा, और अगर हम सच भी बोलेंगे तब भी वो हम पर विश्वास नहीं करेंगे।